अब नेक्स्ट गेट वो भी कॉम्बिनेशन है गेट्स का ही, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी गेट पर आते हैं जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, नैंड गेट, NANDी, नैंड गेट। कौन सा गेट? NANDी, नैंड गेट। और नैंड गेट से किसी को आइडिया लगा क्या बनेगा? नॉर गेट में क्या था? और गेट की इनपुट, नॉर गेट को दे दिया आउटपुट। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे आप? एंड गेट की आउटपुट को दे देंगे, किस पर दे देंगे? नॉट गेट के इनपुट पर। ये आपका कौन सा गेट है? एंड गेट, जिसमें कि दो आपके पास इनपुट्स हैं ए एंड बी। इसकी आउटपुट, इसे हम लिखेंगे इंटरमीडिएट आउटपुट वाई डैश। आउटपुट को आपने दे दिया कहां दे दिया? नॉट गेट की इनपुट पर दे दिया। और फाइनल आउटपुट आपने कहां से ली है? नॉट गेट की आउटपुट को आपने फाइनल आउटपुट बना लिया। ठीक है, सिंबल कैसे बनेगा इसका? सिंबल बिल्कुल वैसे ही बनेगा, नैंड गेट जैसे और गेट के आगे आपने नॉट गेट का जीरो बना दिया था, सर्किल बना दिया था, ऐसे ही इस बार अब इस नैंड गेट के आगे नॉट गेट का सिंबल बना दीजिए। अब ये मिल गया क्या? कौन सा बन गया? नैंड गेट, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये फाइनल आउटपुट वाई। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? वही तरीका इसका ट्रूथ टेबल बनाने का, कि पहले आप किसकी टेबल बना ले? एंड गेट की टेबल बना ले। एंड गेट में दो आपके इनपुट ए और बी, और एक आपका आउटपुट जिसको इंटरमीडिएट आउटपुट बनाया हुआ है वाई डैश। एंड गेट याद है? एंड गेट का मतलब होता है जब दोनों एक साथ हाई हो तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा, जीरो वन, सॉरी जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन वन, ये तो एज इट इज रहने हैं। और यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, जब दोनों एक साथ हाई है तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ये पूरी टेबल कौन सी बन गई? ये पूरी टेबल बन गई कौन सी गेट? एंड गेट की। ओके, अब आपने इस एंड गेट की आउटपुट को फीड कर दिया नॉट गेट की इनपुट पर, तो अब आपका फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट यानी ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर कौन से गेट बन गया? नॉट गेट बन गया। और नॉट गेट का, नॉट गेट की करेक्टर क्या है? कि ये उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अब आप यहां से बीच में से इसका अलग होकर बैठो, यहां से बीच में से ये आउटपुट हटा दीजिए, ये आउटपुट हटा दीजिए, बीच का इंटरमीडिएट आउटपुट और इनपुट और फाइनल आउटपुट को एक साथ मिला लीजिए, आपको एंड नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बन जानी है। तो कैसे बननी है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल? दो इसके इनपुट हुए, ए बी, ये क्या हो गए? इनपुट्स। और आउटपुट कौन सा हुआ? वाई आउटपुट हुआ। इनपुट का वही कॉम्बिनेशन वही रहता है, इनपुट कौन सा? जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन वन। ओके, और फाइनल आउटपुट ये वाला रहा क्या? ये बना आपका वन 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 और जीरो, करेक्ट। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा? याद कीजिए, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन था ए डॉट बी इक्वल्स वाई, और क्योंकि नॉट गेट से आपने इन्वर्ट करा दिया तो इसके ऊपर इन्वर्जन का साइन लगा लीजिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन बन गया। कीजिए इसके पहले एक मिनट लिख लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं, इसे हम पहले कि नैंड गेट है क्या, लिखिए, व्हेन द आउटपुट ऑफ एंड गेट, when the output of AND gate is fed, FED, fed to the input of NOT gate, when the output of AND gate is fed to the input of NOT gate and the output is taken from the output of NOT gate, output is taken from the output of NOT gate, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नैंड गेट।
द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नैंड गेट। ड्रॉ कीजिए। वेव फॉर्म भी इसकी बना लेते हैं, यहीं इसी के सामने वेव फॉर्म बना लेते हैं इसकी। जब आप ये एग्जाम में बनाएंगे तो इन दोनों को ऐसे करके लिखिए, क्या इनपुट्स, और इसे लिखिए आउटपुट वाई। चार सेगमेंट आपको बनाने हैं, पूरी वेव के चार सेगमेंट आपको बनाने हैं। जीरो वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट, जीरो वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट, जीरो वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट, ठीक है। इनपुट ए जीरो है, इनपुट बी जीरो है आपका, तो आउटपुट क्या है बताइए, आउटपुट हाई है। इनपुट ए आपका हाई गया, इनपुट बी अभी लो है, लेकिन आउटपुट कैसा, हाई, करेक्ट। फिर इनपुट ए आपका लो गया, इनपुट बी हाई हुआ, आउटपुट क्या है, हाई है। इनपुट ए आपका हाई, इनपुट बी हाई, लेकिन अब आउटपुट आपका क्या बनेगा, नैंड गेट का आउटपुट लो बनेगा, ठीक है। ये इसकी वेव फॉर्म बन गई।